नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। विपक्ष में रहते हुए पीएम मोदी पर कई बार हमलावर होने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल की मुश्किलें तब बढ़ गईं जब मौजूदा सरकार को सरकार चलाने की सीख देने वाले सिब्बल खुद एक चैनल भी नहीं चला सके। तिरंगा टीवी नाम से चैनल चला रहे कपिल सिब्बल ने चैनल शुरू किया, इतना तक तो ठीक था, लेकिन उसमें काम कर रहे कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई बातचीत नहीं की और चैनल को बंद कर दिया, जिस पर पत्रकार बरखा दत्त भड़की और खुद को उन पत्रकारों के साथ खड़ा हुआ घोषित किया। तो फिर अब कपिल सिब्बल ने तो नहीं, हाँ उनकी पत्नी प्रोमिला सिब्बल ने जरूर उनको जवाब देने की कोशिश की है। पहले तो उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया और फिर उल्टा पत्रकार बरखा दत्त को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि बरखा झूठ बोल रही है और हर कर्मी को महीना दर महीना भुगतान किया गया है और किसी को भी इस मामले में कोई शिकायत नहीं है। प्रोमिला ने बरखा दत्त को मामले को स्पष्ट करने के लिए ट्विटर पर अनुबंध सार्वजनिक करने की चुनौती दी है और फिर आरोपों पर सफाई देते हुए प्रोमिला ने बताया कि वो आम चुनाव की मतगणना के दिन 23 मई से नोएडा कार्यालय नहीं गई हैं। उन्होंने तब से कार्यालय के किसी व्यक्ति से मुलाकात नहीं की है। प्रोमिला कहती है कि बरखा चाहती है कि हम और धन का भुगतान करें। कर्मचारियों का अनुबंध अक्टूबर में खत्म हो रहा है लेकिन उनकी सेवाएं 13 जुलाई को ही खत्म कर दी गई, लेकिन वो चाहती हैं कि हम आगामी जनवरी तक के धन का भुगतान करें। प्रोमिला का कहना है कि सिर्फ जुलाई के 13 दिन को छोड़कर बाकी भुगतान कर दिया गया है। प्रोमिला ने बरखा के आरोपों को सीधे सीधे ब्लैकमेल करने का तरीका करार दिया है। वहीं अपशब्द कहे जाने को लेकर, जिसके लिए बरखा दत्त ने उनके चैनल के महिला सहकर्मियों को अपशब्द कहने की राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, उस आरोप को भी प्रोमिला ने खारिज किया है कि बरखा या किसी भी अन्य कर्मी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया है। बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पर उनकी पत्नी प्रोमिला सिब्बल समेत कर्मचारियों को ठगने का आरोप लगाया था। बरखा दत्त ने कपिल सिब्बल के चैनल तिरंगा टीवी में भयावह स्थिति की बात कहते हुए कपिल सिब्बल की घेराबंदी की थी। ट्वीट किया था कि 200 से ज्यादा कर्मचारियों को 6 महीने की सैलरी दिए बिना ही निकाल दिया गया। इसके अलावा चैनल बंद होने से पहले कर्मचारियों से किसी तरह की बातचीत भी नहीं की गई। साथ ही पत्रकारों से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने जैसी भी बात अपने ट्वीट में लिखी थी, जिसका जवाब अब कपिल सिब्बल की पत्नी प्रोमिला सिब्बल ने दिया है और बरखा दत्त के आरोपों को झूठा करार दिया है।